हेलो एवरीवन, आज हमारा जो प्रॉपर्टी का फोन नंबर चल रहा है, तो हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, पार्ट फोर है। दो प्रॉपर्टी हो गया था, पहला था क्लोजर और दूसरा था कमोडिटी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटी प्रॉपर्टी। हमें दो ऑपरेशन पे चलना था, ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। हम एडिशन को लेकर चल रहे हैं। देखिए, एसोसिएटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ब्रैकेट का यूज होता है और हम उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेट इसमें एग्जाम्पल्स में कम से कम होल नंबर्स में से हम थ्री नंबर्स को जो है लेके चलते हैं। एक हम एग्जाम्पल चूज करते हैं, लेट वी टेक थ्री नंबर्स। चलो टू थ्री एंड फोर ले लेते हैं, ये होल नंबर्स हैं क्योंकि हमारा चैप्टर भी होल नंबर्स के है, होल नंबर्स का दिया हुआ है। तो जो है हमारा जो है ये स्पेशली एग्जाम्पल्स भी होल नंबर में से लेके चलेंगे। आप इसको ऑन एडिशन काम कर रहे हैं तो 2 + 3 + 4 ऐसे लिख लीजिए। ये जो है हम फर्स्ट को बाहर करते हैं, सेकेंड थर्ड को अंदर करते हैं। इट इज इक्वल टू, फिर वही काम, 2, 3 एंड 4। इसको आप ऐसे लिखिए। अब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड को अंदर करेंगे ब्रैकेट के अंदर एंड फोर्थ को बाहर करेंगे। अब यही हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी को आप जो वेरिएबल्स में लेके चलते हैं तो थ्री नंबर्स हम ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकेंड अंदर और थर्ड बाहर, ठीक है। तो यही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। अब आप यहाँ ये चेक करो कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है होल नंबर को, होल नंबर सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो ऑलरेडी यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए इसको, एरो यहाँ लगा दीजिए। 2 एंड प्लस ब्रैकेट के अंदर हम ऐड करेंगे तो 3 + 4 = 7, और इस साइड में इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 5 + 4। चेक कर लीजिए, 2 + 7 ये भी 9 होता है एंड 5 + 4 ये भी 9 होता है। ये दोनों इक्वल हो गया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट इज वी कैन से होल नंबर्स होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। आप यहाँ स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, होल नंबर सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन, ऑन एडिशन। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया या स्टेटमेंट हो गया। ऑन मल्टीप्लीकेशन पे चेक करते हैं कि क्या होल नंबर जो है हमारा होल्ड करता है कि नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। कुछ नहीं करना, यही सारे एग्जांपल्स हैं 2 एंड 3 4, जो भी है एग्जांपल उसी एग्जांपल पे हम काम कर रहे हैं 2, 3 एंड 4। तो जहां हम ऐड किए थे वहां इस बार मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे कर लीजिए 2, 3 एंड 4, पहले को बाहर करिए, सेकंड थर्ड को अंदर, या फर्स्ट सेकंड को अंदर करिए थर्ड को बाहर। दोनों साइड सॉल्व करिए, अपने आप आ जाएगा वो। 2 × 3 = 12 = 2, 3 = 6 × 4, 12 × 2 = 24 = 6 × 4 = 24, ये फिर इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं होल नंबर इज सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लीकेशन। सारा स्टेटमेंट यही रहेगा, बट ये ऑन एडिशन जो है दैट इज ऑल्सो चेंज बाई ऑन मल्टीप्लीकेशन। यही केवल वर्ड चेंज कर दीजिए, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यही हमारा जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, किस पर, ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। एडिशन पे हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे चेक करते हैं, हम ये देखते हैं। स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटिव में किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये इस फॉर्मेट में होता है, a × ऑन एडिशन है तो ये अंदर वाला प्लस होता है, ये हमेशा प्रोडक्ट ही है यहाँ। तो यही है जो एडिशन। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, तो चलिए 2, 3 और 4 को ही लेते हैं। आप इसको काम करना है तो ऐसे लिखेंगे 2 × 3 + 4, मीन्स 2, 3, 4 हमारा होल नंबर्स में से एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो चैप्टर ये होल नंबर का ही है। तो अगर हम यहाँ 2, 3, 4 ले रहे हैं तो आप इसको ये मत समझिए, सॉरी यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ कॉमा है, इसे आप ये मत समझिए ये नेचुरल नंबर में लिया गया है। तो क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों लगभग सेम ही है, 0 को छोड़ दिया जाए तो।
तो बट चूंकि हमारा ये सारी प्रॉपर्टी होल नंबर पे है तो 2, 3, 4 इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होल नंबर्स। अब यहाँ क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको ओवर लगा के बोलते हैं। अब इसके जो अब इसी से ब्रेक करेंगे, 2 का प्रोडक्ट 3 में, फिर दूसरी बार 4, तो 2 × 3, बीच के साइन को आप ऐसे लिख लीजिए, × 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 2, 3 जा 6 एंड 2, 4 जा 8 एंड 8, 6, 14। ये हमारा आंसर है किस पर, ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और दूसरा है, हाँ तो इस तरह से हम ये कह रहे थे होल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कैसे, आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये 14 आपको होल नंबर ही आ रहा है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ऑन एडिशन है। अब यही जो है सब्ट्रैक्शन पर भी होता है, आप सब्ट्रैक्शन पर भी देख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर ऑन सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे, देखिए यहाँ एक बार सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा, ए इज मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी। आप उसी एग्जाम्पल को जब सेट करेंगे, 2 × यहाँ 3 + 4 था, अब देखिए यहाँ 3 − 4, अगर उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 3 − 4 हो जाएगा, तो यहाँ मामला आपका फंस जाएगा, ये हो जाएगा −2। अब −2 देखिए क्या था, हम उसी ऑर्डर में लिए हैं 2, 3, 4, तो यहाँ 3 + 4 था, यहाँ 3 − 4 हो गया, तो −1 हो गया। अब −2 जो है होल नंबर है नहीं है, ठीक है, तो ये ऑन सब्ट्रैक्शन जो है थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप यहाँ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज तो करना नहीं है कि मान लीजिए यहाँ 2 है 3 है 4 है ये होल नंबर्स होम लेके चले हैं, तो ये भी −2 भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप जो है एडिशन पर भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सारी प्रॉपर्टी ओवरऑल ये फिनिश हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ इसमें क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, इसके जो है हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम जो है प्रॉपर्टी के बारे में बता दिए हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्या होता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, स्पेशली 837 है, पहला वाला हम लगा दे रहे हैं, और इसका ए है 837 + 208 + 363। अब देखिए क्या है, अब यहाँ लिखा है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, अगर वही चीज नहीं लिखा होता तो हम डायरेक्टली क्या करते, इसको ऊपर नीचे करके एकदम नॉर्मली जैसे जो है ऐड किया जाता है उसको हम ऐड कर लेते, बट थोड़ा सा इसमें चूंकि प्रॉपर्टी की बात है आप कुछ मत करिए, जो है देखो 3 नंबर दिया हुआ है, तो समझ के चलिए कि एज एसोसिएटिव की तरह चलेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, 837 को साइड में कर लीजिए, इन दोनों को आप एक बार ब्रैकेट में ले लीजिए, काम खत्म। देखने में लगे कि एकदम सीधा सीधा नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें किया गया है, 837 प्लस इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो 8, 3, 11 के लिए 1 carry 1, 6 and 1 7 and 3 to 5, ये हो गया। अब ऐड करिए 7 and 1 8 7 3, 10 के लिए 0 carry 1 8 5 13 + 1 14, ये है आंसर। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जब बी है, अब बी में 4 टर्म दिया हुआ है, तो 2 को 1 ब्रैकेट में रखिए, 2 को 1 ब्रैकेट में, जैसे 1962 है एंड 4, 5, इससे आप कर लीजिएगा, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, पहला था सम निकालना था, अब इसमें जो है स्पेशली क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना, तो हम पहला देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। फर्स्ट में कह रहा है 2 × 1768 इज मल्टीप्लाइड बाई 50। देखिए स्पेशली प्रोडक्ट में क्या होता है, जहां तक जीरोज नंबर अगर आए, जीरोज नंबर क्या होते हैं, कहीं आपको जो है 100 मिल जाए या 10 मिल जाए, 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए, और इसके आगे इस टाइप के ही नंबर को हम जीरोज नंबर कहते हैं। बट जीरो अगर साइड में लगा हुआ है तो वो भी जीरोज ही होता है, लेकिन अगर वन के साथ लगा हुआ तो ज़्यादा बेटर है, इससे जो है हमारा स्पेशली जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, वो बहुत ईजिली हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, 2 × 50, अभी देखिए कितना ईजी हो जाएगा ये 1768, तो 2 × 50 ये हो गया 100 × 1768। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर जीरोज नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो कुछ नहीं करना, ये पूरा नंबर लिख लीजिए, इसमें जितना जीरो है बगल में जीरो लगा दीजिए,
अब देखिए क्या हो रहा है, अगर यही एक साथ नहीं लेते तो फिर इसको 2 से करते और उसके बाद फिर इसको 50 से करते तो लंबा हो जाता। इन दोनों को साथ में लेने से 100 हो गया। अब 100 से मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं करना है, वही नंबर होता है, 0 2 0 लगा देते हैं। अगर ये 1000 बन जाता है तो 3 0 लगा देते साइड में, ऐसे हो जाता है। तो ये यही मेथड हमारा, इसीलिए प्रॉपर्टी को यहाँ यूज किया गया कि प्रॉपर्टी से चीज़ें और ईजी हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड। ऐसे देखिए इसका बी है, इसी में जो है छोटा सा बी पार्ट दिया हुआ है, 4 × 166 × 25। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें सिंपल वे में आपको इसे चलिए 4 × 25 को सिंगल ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, × 166 कर लीजिए। अब 25 × 4 = 100, फिर 100 हमें मिल गया, काम हमारा और आसान हो गया। अब इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 166 के बगल में 00 आप लगा दीजिए, इट इज योर आंसर। ठीक है, ये जो है इस तरह से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करते हैं। इसी में से एक पार्ट थोड़ा सा मोर लगा दे रहे हैं, एंड लास्ट पार्ट एफ कैसे सॉल्व करेंगे आप, बीच के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दे देंगे हम आपको। 125 × 40 × 8 × 25। अब इसमें 4 नंबर दिए हुए हैं तो इसको 2 बार कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 125 को ऐसे रखिए इंटू, और फोर्टी इंटू 25 एक में करिए, 8 को थोड़ा सा साइड में करिए, ये सब करना पड़ेगा। अगले स्टेप में 125 × इसे कर लीजिए तो 4 5 20 के लिए 0, कैरी 2, 4 2 8 2 10, इसके बगल में 1 0 लग जाएगा। इसमें से हम देखना, देखो कहाँ पहुँच गए हम। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे और इसके बगल में 0 लगा दीजिए, इसे 1 2 3 × 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान हो गया। 1 2 3 ऐसे लगाइए, 8 5 = 40 के लिए 0, कैरी 4, 8 2 = 16 + 4 = 20 के लिए 0, कैरी 2, 8 1 = 8 2 10। ये इस तरह से जा रहा है, ऐसे 1 10 100 1000 10000 10 lakh हो गए। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जीरोज के नंबर जितने ज़्यादा बनते जाएंगे, आप कोई ज़रूरी नहीं कि हम 40 × 25 लिखें तो आप भी लिखिए, कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो कुछ दूसरी सेटिंग करना चाहिए तो ये वाले इन 8 से पहले मल्टीप्लाई करके उसको अलग से लिख सकते हैं। मेन ज़्यादा से ज़्यादा अगर 0 आ रहा है तो वो और इजी हो जाएगा, उतना 0 हम साइड में उसको ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा इस पर क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। तो बाकी जो है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके आगे क्वेश्चंस को जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, एंड ये सब आप जो सॉल्व करते रहिएगा, और इसका जो है होमवर्क अलग से जो है दिया जाता है। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।